क्लच प्रेस हुआ पड़ा है, अब क्या करना है, फर्स्ट गियर डालो, क्लच पूरा दबा के। अबे तीसरा नहीं, पहला पहला। हाँ आराम से, अब हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है, बिल्कुल हौली हौली छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हौली हौली हौली, बस 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 छोड़ो, वहीं रुक जाओ, अब छोड़ दो छोड़ दो, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई छोड़ दो छोड़ दो, क्लच छोड़ दे पूरा, क्लच छोड़ दे पूरा। तो हे गाइस, मैं राहुल, आप देख रहे हैं आर संधू व्लॉग्स माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो आज की वीडियो होने जा रही है, आज मैं ड्राइविंग स्कूल की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मेरा कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मान लो, ज़्यादा पीछे ना जा, आगे मेरा जो मैं आज तभी जाएगी ना, जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है अपना, जैसे आउट स्टेशन कार चलाने का, हर ड्राइविंग स्किल्स मैंने, क्योंकि खुद जैसे आपको कोई और कार चलाना सिखाता है, कोई और सीखते हैं ड्राइविंग स्कूल में सीखते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है, मैंने खुद अपने आप को कार चलानी सिखाई है, खुद अपने आप को सिखाई है, खुद प्रैक्टिस की है घर में। मेरे पापा की कार हुआ करती थी, तो मैं 10-20 मिनट उसको देता था, सुबह आगे पीछे करता था, मोड़ता था, तो ऐसे मैंने कार चलानी सीखी है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, आप घर बैठे आप काफ़ी नॉलेज आपको हो सकती है। देखो कार चलाना जब आप सीखते हैं तो वो तो ठीक है, कार चलाना सीख रहे हैं, पर कार की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्स की नॉलेज, जैसे इंजन्स के बारे में हो गया, गियर शिफ्टिंग के बारे में हो गया, क्लच अपना, एक्सीलेटर हो गया, अपनी ब्रेक्स होगी और अपनी हैंडलिंग होगी, अपना जो भी सिस्टम होता है, अपना साइड मिरर्स हो गए, अपना सारे मिरर्स के बारे में, हर एक चीज़ में हमें मेन रोड में, गलियों में, हाईवे पे या अपने सिंगल रोड में ड्राइविंग कैसे करनी है, कैसे नहीं, वो पूरी आपको क्लासेस जब आप देखेंगे मेरी सारी वीडियोज एपिसोड के हिसाब से आएंगी। हौली हौली कार के बारे में बताएंगे और आपको कार चलाना भी सिखाएंगे। मेरे साथ एक बंदा है जिसको कार चलानी नहीं आती है, तो दिखाता हूँ मैं, दिखा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक बंदा भी है जिसको कार चलानी बिल्कुल नहीं आती, जिसके घर में कोई कार नहीं है, तो हम इसको एज ए स्टूडेंट लेंगे, इसको ड्राइविंग सीट पर मैं बैठाऊँगा और गाइड करूँगा। अब देखेंगे कि मेरे जो गाइडेंस है वो इसको दे रहा हूँ, पर वो आप समझ लो कि वो स्टूडेंट आप भी हो, तो आपको भी वो गाइडलाइन जाएगी, तो उसके हिसाब से अब मैं कार के आपकी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, कार की नॉलेज देना स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो साथ बने रहो, पूरी वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कार के बारे में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट जर्नी चाबी से। जब आप चाबी लेके गाड़ी के पास जाते हैं, आप अपना लॉक खोलते हैं, अनलॉक करते हैं, ये चीज करते हैं, तो अनलॉक कर देता हूँ मैं गाड़ी को, देखो अनलॉक हो गई है, तो ये है इसकी की। अब इसके अंदर जाएंगे, अंदर से आपको नॉलेज स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट हमारा मेथड कार को ऑन करने का कैसा रहता है, और कैसे ऑन करनी है, कैसे आप कार की स्टार्टिंग करेंगे सीखते वक्त भी और चलाते वक्त भी। तो आ जाइए कार के अंदर, काट दे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, मैं आ गया हूँ कार के अंदर। तो अब देखते हैं, हैंडल लॉक है, इसको बोलते हैं हैंडल लॉक, इससे आप घबराना नहीं है। तो आपका पता लग गया, आपको इस साइड गियर है, ये आपका इंटीरियर है, सारी चीज़ें आपको मैं बाय एक तो एक नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो आपके कार हो गया, ये एसी विंड्स हो गए, ये अपना एसी के जो अपने कंट्रोल्स हो गए, ये अपना म्यूजिक कंट्रोल हो गए, ये कंट्रोल हो गए, जैसा भी आपको पता है, इतनी नॉलेज तो हर किसी को होती है। पर हम चाबी लगाते हैं, तो जैसे आप यहाँ चाबी लगाओगे, लगी चाबी, अब ये देखो ये चाबी घूम नहीं रही है। अब बंदा बोलेगा कि अरे चाबी क्यों नहीं घूम रही है, व्हाट इज दिस, ये क्यों है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो आपका हैंडल है उसको थोड़ा ऐसे से थोड़ा हिलाना है, और जैसे हिलाओगे हैंडल, हिलाना है, हैंडल हैंडल हिला, ये देखो ऐसे से करना, अरे ऐसे ऐसे कर दे बस, ये देखो ऐसे किया, ये देखो हो गया, ये हो गया, ये होगी अपनी गाड़ी ऑन, म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, इसको बंद कर देते हैं ना कि कॉपीराइट ना आए। तो इस ये होता है, अगर हैंडल लॉक हो जाए तो हैंडल थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, मैं इसको कर देता हूँ। ये अपना गाड़ी इस टाइम ऑन है, पर स्टार्ट नहीं है। ऑन में आपको सारे इसमें जो जो सारे आपके कंट्रोल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। ये आपका सीट बेल्ट्स का आ रहा है, बैटरी का आ रहा है, ये आपका हैंड ब्रेक का आ रहा है, ये अपना सारे इंजन के चेक लाइट्स हैं, और ये अपना टाइम आ गया, ये अपना ट्रिपिंग ऑप्शन है, और ये अपना पेट्रोल का साइन आ गया। तो ये सब होता है अपना, और ये अपना RPM मीटर है, ये अपना स्पीडोमीटर है। तो ये सिस्टम है अपना। अब इसको जब स्टार्ट करेंगे तो आप क्लच प्रेस जरूर कर लीजिए, नहीं तो क्लच प्रेस नहीं करना तो न्यूट्रल में कर लेना गाड़ी, बहुत ज़रूरी होता है। देखो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में कैसे पता लगे गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं है, कि जब आप ऐसे ऐसे करेंगे। देखो मैं गियर में डालता हूँ गाड़ी, अभी गियर में है, अब देखो हिल नहीं रहा, लेकिन जब इसको मैं सेंटर में करूँगा तो ये कितना हिल रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, और क्लच फिर भी दबा देना, क्योंकि आप नए ड्राइवर हो, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए गाड़ी अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको चाबी घुमानी है और छोड़ देनी है,
जब आपका आरपीएम 1 पे चले गया, इसका मतलब है आपकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और आपको करना क्या है, इसके बाद आपके स्टेप स्टार्ट करता हूँ मैं कार स्टार्टिंग। कार स्टार्ट आपकी होगी है, और सब कार स्टार्ट तो होगी आपकी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे जो भी है इसका ABC से आपको इसका ध्यान रख लेना है, ठीक है। ABC, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक और C4 क्लच। ABC से आपको क्या करना है, और आपको पैर रखने का जो तरीका है आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। जो आपको रेस है ऐसे हल्की से प्रेस करनी है, स्टार्टिंग में आपको रेस पे पैर नहीं रखना है। जब आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको ब्रेक और क्लच पे ही जरूर पैर रखना है। रेस का साहब नहीं आएगा, आप ज़्यादा दब दोगे तो आपका एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए आपको एक क्लच और ब्रेक हल्की से दबानी है, क्लच और दबा के हल्का सा छोड़ना है। तो ये आपकी ड्राइविंग स्किल रही यहाँ की, और आपका गियर क्लच दबा के गियर पाना है, और सबसे पहले हैंड ब्रेक जरूर नीचे कर लेना, हैंड ब्रेक नीचे करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इसके ड्राइविंग स्किल। और आपको ड्राइविंग सीखने से पहले आपको खाली प्लेस में चले जाना है। अब मैं खाली जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पर वीडियो शूट करूँगा। कभी भी गाड़ी सीखने जाओ, किसी ना किसी साथ, किसी को ना किसी बड़े किसी को साथ में लेके जाओ, और खाली प्लेस में जाओ। तो हम जा रहे हैं खाली प्लेस में। तो फ्रेंड्स, अपनी गाड़ी ऑन है, देखते हैं, गाड़ी ऑन है और हम खाली जगह पर आ गए हैं। खाली जगह पर आकर ही आप गाड़ी चलाना सीखिए, भीड़ भड़के में गली में टेस्टिंग ना करें, बिल्कुल भी मत करें, ये मेरी आपसे बेनती है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले आप हैंड ब्रेक नीचे कर लेना, ऐसे आपकी हैंड ब्रेक होगी नीचे। अब फर्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, 100% आपको क्लच प्रेस करना है पूरा। ये आपका क्लच प्रेस हो गया पूरा। क्लच प्रेस करने के बाद आपको फर्स्ट गियर डाल लेना गाड़ी का, ये देखो फर्स्ट है ना, ऐसे ये आपका फर्स्ट गियर डल गया। तो आपको ना वो छोड़ना नहीं है, आपको वो प्रेस करके रखना है क्लच। तो आप रेस पे पैर मत रखिए, क्योंकि रेस आपको संभालनी नहीं आएगी। तो आप क्लच से भी गाड़ी सीख सकते हैं, और आपको तेज चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हौली हौली चलाओ। और हौली हौली चलाने के बाद क्या होगा, आपको क्या सिस्टम होगा, आप हौली हौली जैसे हौली हौली चलाओगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली जाओगे, अपना हैंडल मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे उधर मोड़ोगे, इससे क्या होगा, आपको क्लच का हिसाब आएगा, ब्रेक का हिसाब आएगा, रेस का हिसाब आएगा और गियर का हिसाब आएगा, ड्राइविंग हैंडलिंग का हिसाब आएगा, जिससे आप गाड़ी बहुत ही आसान तरीके से, टाइम से टाइम लगता है गाड़ी सीखने को, मेरे को भी टाइम लगा था, तो आपको भी टाइम जरूर लगेगा। तो इसलिए करते हैं स्टार्ट। आप देखते हैं गाड़ी चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस इसको क्या है, थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा वक्त लगता है, प्रैक्टिस लगती है और कुछ नहीं है। तो गियर डालिए जैसे आपको बताया मैंने। अब मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करूँगा मैं, आपके सामने हूँ, आपको मैं सारा बताऊँगा, सिर्फ हल्का सा क्लच छोड़ूंगा, देख लो आपके मेरे सामने है, आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्लच छोड़ना है, जैसे आपकी गाड़ी हल्की सी आगे बढ़ने लग जाए तो आप वहीं पर क्लच को मतलब वहीं पर ही होल्ड कर लो, आपको हिलाना नहीं है वो। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने हल्का सा क्लच छोड़ा तो गाड़ी मेरी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि ये प्लेन इलाका है, अगर आपकी कहीं चढ़ाई वगैरह है तो वहाँ तो बंद हो ही जाएगी गाड़ी। तो आप बस ऐसा आपने करना है, और आपको कोई रेस पे पैर रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत करिए पहले दिन तो, और पहले हफ्ते महीने तो बिल्कुल भी मत। ब्रेक पे पैर रखिए और रेस पे अपना क्लच पे पैर रखिए, और हौली हौली ड्राइविंग कीजिए। अब मैं क्लच पूरा छोड़ देता हूँ, ये देखो हौली हौली छोड़ना है हमने। अब मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, देखो मेरे दोनों पैर इधर हैं और गाड़ी चल रही है। तो आपको क्या करना है, पैर आपको ऐसे रख लेने हैं, कुछ भी आगे आएगा तो आप ब्रेक प्रेस कर देना, बेझिझक हो गए, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है तो आपको कोई चिंता नहीं है, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप कार आराम से अकेले भी खाली जगह में आके आप आराम से कर सकते हैं, किसी की आपको राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरी एक बार वीडियो देख लिया तो देखो, अब ऐसे करते रहो और ऐसे हैंडल घुमाते रहो कि आपको पता लगे कि गाड़ी का हैंडल कितना घुमाना है और गाड़ी कितना मोड़ काटती है, कितनी मूविंग करने में हैंडल्स पे। तो देखो मैंने इतना मूव किया और गाड़ी कितनी मूव हो रही है, मैंने ऐसे किया और हैंडल देखो ऐसे करके सीधा हो गया, क्योंकि स्पीड कम है इसलिए हैंडल ऑटोमेटिकली सीधा नहीं हो रहा, जब गाड़ी की स्पीड होती है तो हैंडल अपने आप सीधा हो जाता है। तो गाड़ी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। तो ये थे गाड़ी चलाने के लिए, हमारे साथ स्टूडेंट भी है, वो सीख रहा है गाड़ी, इसको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी। अब मैं इसको बिठाऊंगा, इसको गाइड करूंगा, वैसा ये करेगा, और आप देखना कि कैसे ये इतनी आसानी तरीके से गाड़ी चला लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं गाड़ी थोड़ी साइड पर लगा लेता हूँ, और जब इसके बाद आपको मैं सेकंड टास्क दूंगा। अभी फर्स्ट गियर से आपको सेकंड गियर नहीं करना है, अभी फर्स्ट गियर मैंने बताया है, अभी जितना मैंने आपको बताया है पहले आपको उतना ही करना है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या और नॉलेज चाहिए आपको, क्या क्या नहीं और नॉलेज चाहिए। तो ये था
ठीक है, अब अपने स्टूडेंट की बारी आएगी तो इनको काफ़ी नॉलेज होगी होगी, तो इनको बिठाएंगे, अब देखते हैं कि ये इनको कितना आया कितना नहीं आया। जब भी गाड़ी से उतरो हैंड ब्रेक लगा के उतरो, अगर हल्की सी हाइट कहीं होगी तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी पीछे को चली जाएगी आगे को चली जाएगी, तो हमेशा जब भी गाड़ी से उतरना है हैंड ब्रेक लगा के उतरना है और ऐसे लॉक खोल के उतर जाइए। और कभी भी अपना डोर खोलना है तो पीछे देख के खोलना है, कभी भी गाड़ी पीछे से स्पीड से आ सकती है। तो हम बैठ जाते हैं उस साइड, रेस मत दियो, पहले भी तूने दे दिया था पैंचो, रेस मत दियो, रेस बता रहा हूँ तेरे को मैं, इसने पहले भी रेस दे दी थी, बहुत दिक्कत हो गई थी, रेस नहीं देनी, मैंने आपको पहले भी बताया है रेस नहीं देनी, तो नहीं देनी। अपना ब्रेक, राइट पैर अपना ब्रेक पे रख ले और लेफ्ट जो अपना लेफ्ट पैर है उसको उससे पूरा क्लच प्रेस कर ले, पूरा क्लच प्रेस कर लिया पूरा, हाँ हैंडल एकदम सीधा रखना है आपने, और अपने हैंड ब्रेक नीचे करो अब, अरे ऐसे ऊपर को करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऊपर को करके फिर नीचे को होता है। अब क्लच प्रेस हुआ पड़ा है, अब क्या करना है, फर्स्ट गियर डालो, क्लच पूरा दबा के, अबे तीसरा नहीं पहला पहला, हाँ आराम से, अब हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली क्लच छोड़ना है, बिल्कुल हौली हौली छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हौली हौली हौली, बस 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 छो वहीं रुक जाओ, अब छोड़ दो छोड़ दो, अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, क्लच छोड़ दे पूरा, क्लच छोड़ दे पूरा, हाँ क्लच छोड़ दो पूरा, ना ना मोड़ ना इतना ना मोड़, जाने दे सीधा। अब देखो फ्रेंड्स क्लच पूरा छोड़ दिया और उसका राइट जो पैर है वो ब्रेक पे है, कभी भी कोई दिक्कत लगे उसको बेझिझक दबा देना, पर एकदम नहीं दबाना है, थोड़ा स्लोली स्लोली दबाना है, जो ब्रेक गाड़ी की बहुत टाइट होती है, एकदम कुछ भी हो सकता है। तो अब राइट टर्न कर लो, पीछे देख के करना है कभी भी हो तो, मैं बैठा हूँ साथ में तो इस मिरर में देख के करना है, अभी भी पूरा ज़्यादा टर्न ना करो, थोड़ा सीधा करो, सीधा सीधा करो। अब हैंडलिंग का इनको नहीं पता है कि कितना मोड़ना है, पत्थरों से बचा के पता होना चाहिए आपको कि आपका राइट टायर और आपका लेफ्ट टायर कहाँ किस कितनी जगह घेर रही है गाड़ी आपकी और कितनी नहीं घेर रही है, वो आपको मैं कभी नहीं बता पाऊँगा, वो आपको खुद जानना पड़ेगा, खुद गाड़ी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, गाड़ी का हैंडल घुमाओगे, मोड़ोगे, सीधा करोगे, बैक करोगे, तब जाके आपको आएगी, ऐसे कभी नहीं आएगी। जैसे अभी गाड़ी सीख रहा है, खुद सीख रहा है, चला रहा है, तो ऐसे आपको डेली करना है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको गाड़ी चलानी कैसे आ चुकी है, ठीक है। तो आपको स्लोली स्लोली सीखना है, फास्ट काम आपको नहीं करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये आपको जरूर कर लेना है, फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में कि आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है, और गाड़ी की और इंजन के बारे में, इंजन से रिलेटिव अपने जो भी आपका सिस्टम है अंदर सबकी नॉलेज दूंगा मैं सेकंड स्टेप में, कि आपको और जितनी नॉलेज चाहिए गाड़ी के लिए वो सारी होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी बंदा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, देखो खुद चला रहा है बंदा, खुद मोड़ रहा है, बस पीछे देख के मोड़ लेना, घुमाओ घुमाओ हैंडल घुमाओ मोड़ो, देखो मैं नहीं बता रहा कुछ, मेरे हाथ इधर है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बंदा खुद मोड़ रहा है, बस इनका ये ध्यान रखना कि पीछे से कोई बाइक या कुछ ना आए, खाली जगह पे, तभी मैंने बोला कि खाली जगह पे जरूर आ जाइए, हाँ करो करो सीधा करो सीधा करो, हाँ टाइम से सीधा करो तभी गाड़ी आपकी लाइन पे चलेगी। तो आपको जितना मोड़ोगे उतनी जल्दी आपको सीधा भी करना है, जितनी स्पीड होगी गाड़ी की उतनी जल्दी सीधा भी करना है, तो ये होता है। अब गाड़ी को आपने स्टॉप कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, गाड़ी को पहले साइड पे लेके जाओ, हाँ गाड़ी साइड पे, इधर इधर बस, हाँ हाँ अब कैसे रोकनी है गाड़ी, सीधा तो कर ले हैंडल ना, हाँ गाड़ी कैसे रोकनी है, क्लच प्रेस करो पूरा, हाँ अब ब्रेक स्लोली स्लोली दबानी है, देखो इसने ब्रेक एकदम दबा दी, अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड तभी मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम में पहले गियर पे क्लच छोड़ के ही। अब थोड़ी सी रेस प्रेस करके भी दिखाएगा ये, चलो दो फिर से छोड़ो, हल्का हल्का छोड़ो छोड़ो क्लच, हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ, देखा मैंने कुछ नहीं बोला, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ ला रहा है बंदा। अब इसको अब थोड़ा ध्यान से ना ब्रेक पे रेस पे बिल्कुल प्यारा सा पैर रखना है, बिल्कुल प्यारा सा पैर, हल्का सा, गाड़ी की रेस जो होती है बहुत मुलायम होती है, बिल्कुल हल्का सा पैर रखना है, हाँ घुमा ले बस बस, इतनी इतने मोड़ के रख, मुड़ जाएगी, इतनी जगह हो उसके हिसाब से मोड़ो, ज़्यादा कट ना मारो, और रेस पे बिल्कुल हल्का पैर रखना है, दबाना नहीं है, अगर आपने मोड़ पे दबा दी रेस तो आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस हो सकते हैं। अब कर सीधा हैंडल करो, सीधा हैंडल करो, दबो हल्की सी रेस, दबो दब 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 हल्की सी रेस, दब सीधा कर हैंडल, हाँ दब हल्की सी रेस,
दबो 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 दबो, हाँ देख बढ़ गई स्पीड, बंदा दब रहा है। अब क्लच दबा, क्लच प्रेस करके हल्के से ब्रेक दबाओ, प्यारी सी ब्रेक, क्लच दबा के ब्रेक, प्यारी सी ब्रेक, हाँ, दबाओ दबाओ प्यारी सी ब्रेक, मारो मारो रोक दो गाड़ी, प्यारी से ब्रेक मार के रोक दो, हाँ ऐसे। अब गाड़ी क्लच दबाया हुआ है, क्लच छोड़ना नहीं है, न्यूट्रल करो पहले, गाड़ी न्यूट्रल कर दो, ओए चौथा गियर पा दिया, हाँ बीच में ये न्यूट्रल होगी। अब हैंड ब्रेक चको जोर से, बस दबा के नहीं चकते हैं इसको, ऐसे चकते हैं सीधा ऐसे, लगी है। अब छोड़ दे सारा पैर, कर ले पीछे पैर, सब छोड़ दे, बस ये होगी आपकी गाड़ी। अब गाड़ी ऑफ करके बाहर निकलो, ये आपका हो गया है, ये आपका था फर्स्ट फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल का फर्स्ट लेसन था आपके लिए, ये आपका क्या सिस्टम है कैसे है। अब आपको मैं हौली हौली जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। आप नेक्स्ट एपिसोड में देखो, मैं आपको सेकंड गियर पे और भी बहुत चीज़ें कार की जो नॉलेज होती है वो भी दे रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।